जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को सारे नियम कायदों को दरकिनार करके सारे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे जो जिला इकाइयां जो वैध थी उनको अवैध करार के और जिस तरह डरा धमका के पिछली बार अपने बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बनाया उस समय कई कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे लास्ट स्थिति ये होगी कि अगर मैं मदद नहीं करता तो उनको गिरफ्तार और करते तो फार्म ही भर पाएगा और अब की बार जयपुर कमिश्नर ने डरा धमका के और एक तरफा मुख्यमंत्री के बेटे को अध्यक्ष बना चाहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि अगर बेटे को आप अध्यक्ष बना सकते हो आपको अपना बेटा इतना प्रिय है तो राजस्थान के लाखों जवान लाखों किसान के बेटे जिनकी रोज भर्तियां पेपर लीक हो रहे हैं रोज आउट हो रहे हैं ना आपके सीएमओ के साथ जुड़े हुए जो आज मैंने आरोप लगाए थे अगर मेरे आरोप सही है तो उनकी जांच कराएं और मेरा आरोप अगर गलत है तो जवाब दें राजस्थान की सरकार कि हनुमान बेनीवाल आरोप गलत है किस तरह इनके ओएसडी का पहले नाम आया था पिछली बार अमित ढाका के जो तार जुड़े हुए थे किस तरह आपके सुभाष गर्ग का था इनके पहले के जो रीट के अंदर मामला उसमें मंत्री का था तो ये सीबीआई जांच कहां से क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री की ये महिपाल मदेना और मलखान और बाबूलाल नागर का मामला हुआ उस समय तो सीबीआई जांच करा दी इन्होंने सारी अब कौन सी आपत आ गई करवा था सीबीआई जांच ये कहते ना मुख्यमंत्री कहते हैं मैं तुरंत ये करता हूँ संवेदनशील तो मुझे नहीं लगता कि संवेदनशीलता कहीं है सरकार बचाने के लिए हर हथकंडा राजस्थान की सरकार अपना रही है और जितने भी मुख्यमंत्री के समर्थक विधायक है वो अपने अपने इलाके में मिनी मुख्यमंत्री नागौर को कौन चला रहा है नामा का विधायक जिसका भाई और जीजा हत्या के मामले में अंदर है वो पूरे नागौर को चला रहा है नागौर जिले की हर नियुक्ति उसके इशारे पे होती है बाकी विधायकों की स्थिति क्या मैं जानता हूँ सब एक थानेदार एसडीएम डीवाई की है तो मेरा इसके अंदर यही रहेगा कि जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बेटे को आरसीए का चेयरमैन बनाया डरा धमका के विरोधियों को अब मुख्यमंत्री जी आप राजस्थान के उन बच्चों को जो आपके तरफ देख रहे हैं लाखों बच्चे आपकी हर भर्ती हर पेपर आउट हो रहा है आप खाली बातें कर रहे हो ये बयान दे रहे हो कि पड़ोसी राज्यों में भी हो रहा है ये क्या बात हुई पड़ोसी राज्यों में कुछ भी हो रहा होगा पड़ोसी राज्यों में जो अच्छा काम हो रहा है वो क्यों नहीं कर